हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रहने वाली है। किस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी? एक तो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपकी मैसेंजर की रहने वाली है। एंड आपकी जो सिविलियन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की आपकी पोस्ट रहने वाली, तो हम दोनों पोस्ट की डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह किस तरीके से अप्लाई करना है, तो सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। नाउ डायरेक्टली चलते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जितने व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आपको कर देना है लाइक कर देना है। और इस वीडियो का जो टारगेट है आपकी, जो 100 लाइक्स का, जितने व्यूअर्स आप देख रहे हैं सभी लाइक करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और सब आप सभी के लिए बेस्ट वैकेंसीज के अपडेट समय समय पर लाते रहें। आपको ये ऑफलाइन आवेदन देना है, आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। बात रही इसकी नोटिफिकेशन एंड जो भी फॉर्म की PDF है, हमारे चैनल आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड कर देगा। आप हमारे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। और यहाँ पर ज्वाइन होने का बेनिफिट है कि डेली बेसिस पे वैकेंसीज के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है हमारे चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आप देख सकते हो, वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपकी जो सारे डाउट वगैरह, आपको हर एक चीज़ बताएंगे, क्या फीस वगैरह क्या रखी गई, स्टार्ट डेट लास्ट डेट, हर एक चीज़ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाने वाली है इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट नेम आपका इस तरीके से है, हेडक्वार्टर 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर MP की आपकी भर्ती रहने वाली है। 482001 आपका ये पिन कोड, आपको इस वैकेंसी आपको इस लोकेशन में देखने को मिलेगी। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपको यहाँ पर आपको सेंड करना होगा अपना ऑफलाइन फॉर्म, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और आपको फिलअप कर लेना है। बाकी इसकी अप्लाई प्रोसेस की जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे अपने चैनल पे, तो आपको अपडेटेड रहना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने लगा, जब भी जिससे रिलेटेड वैकेंसी की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। जितने भी इंडियन सिटीजन है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड है, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। बात करते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, नीटली हैंडेड रिटन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब जो आपको ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप कर देना होगा अपने हैंड राइटिंग से, नीट एंड क्लीन आपको विदाउट मिस्टेक्स के साथ फिल करना होगा। साथ ही अपने जो भी आपको सेल्फ एड्रेस एनवेलप लगाने होंगे इसके साथ ही, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इसके साथ लगा के सेल्फ एड्रेस करके साइन वगैरह करके आप सेंड करोगे किस एड्रेस पर, द प्रेजिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन बोर्ड हेडक्वार्टर 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर। आपको इस एड्रेस पर सेंड कर देना है अपना, और जो भी ऑफलाइन फॉर्म होगा उसको सेंड करना होगा। एकदम बेसिकली इजी है, कोई प्रोसेस आपको परेशानी नहीं आने वाली है। और ये सभी नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, क्वालिफिकेशंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है इस पोस्ट रिलेटेड, किसी भी पोस्ट रिलेटेड इंक्वायरी हो, तो आप हमारे को व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एडमिन को जो भी क्वेश्चन वगैरह है, आपके डाउट वगैरह है, वो सॉल्व कर दिए जाएंगे फास्टेस्ट, आपका जो भी डाउट सॉल्विंग चैनल है हमारा। और कमेंट में भी मैसेज कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी वगैरह इस पोस्ट रिलेटेड, तो हम आपका सॉल्व कर देंगे। नो बात करते हैं इस तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज आपको इस तरीके से देखने को मिली होगी, जो कि CTI सिविलियन ट्रेन टेक्निकल इंस्ट्रक्टर। सबसे ज़्यादा इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी, लेवल 5 की आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें सैलरी है 29,200 से 92,300 ये आपका बेसिक पे है। इसी के साथ MP का है, जो जबलपुर MP, इसी के साथ आपके जो भी अलाउंस वगैरह ऐड होंगे, जिसमें अगर मैं बात करूँ ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, तो काफ़ी अच्छी खासी इनहैंड सैलरी आपकी बनने वाली है CTI पोस्ट की। ग्रुप C पोस्ट पर भर्ती है, एक ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, OBC के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है CTI की अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि MTS की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ फिटिंग मैन की आपकी जो पोस्ट रखी गई है। लेवल 1 की सैलरी आपको देखने को मिलती है 18,000 से 56,900, 18,000 जो आपका बेसिक पे होता है। इसी के साथ आपके जो भी अलाउंस वगैरह ऐड होते हैं, जिसमें DAT HRA वगैरह ऐड होता है, तो काफ़ी अच्छी खासी इनहैंड सैलरी आपकी बन जाती है। ग्रुप C पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है, और एक ही पोस्ट है और जनरल के लिए ही एक वैकेंसी रखी गई है। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जनरल के लिए आपकी ये वैकेंसी रखी गई है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ मैसेंजर की जो पोस्ट है आपकी, लेवल 1 की आपकी सैलरी रखी है। बात रही क्वालिफिकेशन, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपकी लेवल 1 की सैलरी रखी गई है 18,900 से लेकर 56,900। 18,000 ये होता है आपका बेसिक पे, इसी के साथ अलाउंस ऐड होंगे तो अच्छी खासी इनहैंड सैलरी बन जाएगी। एक ही पोस्ट है, ग्रुप C पोस्ट पर आपकी भर्ती OBC के लिए रखी गई है, जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखी गई। तो ये जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी मैच कर रही है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी है BSc वगैरह मांगी है, और आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है टीचिंग वगैरह का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात रही इसकी MTS फिटिंग मैन की और MTS मैसेंजर की, दोनों पोस्ट की मैं बात करूँ तो 10th पास आपको मांगी गई है। 10th पास विद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से। द
दसवीं पास के साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एक साल का, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन आवेदन देना है, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना होगा जो मैं आपको फॉर्म फिलअप करके अपना और अप्लाई प्रोसेस की नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तो जिससे कि सारे डाउट वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रहती है आपको इससे रिलेटेड। और इसकी नोटिफिकेशन एंड फॉर्म की पीडीएफ पाने के लिए व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है, इसकी जो स्टार्ट डेट हो चुकी है 1 अक्टूबर से ये वैकेंसी पब्लिश हुई है और 1 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो चुके हैं और 30 दिन का आपको समय देखने को मिलता है। तो 30 अक्टूबर से पहले जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अपना आवेदन दे सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा समय भी देखने को मिलता है। 10th पास के साथ साथ एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी स्टार्ट डेट लास्ट डेट मैंने बता दी, ये वेबसाइट है, इस पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको तो मिल जाएगी, वैसे अपडेटेड नहीं होगी, बाकी इसकी नोटिफिकेशन चैनल आप प्रोवाइड कर देगा और फॉर्म भी प्रोवाइड कर देगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अपना इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने वक्त अपना फिलअप कर सकते हो इजीली, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको। तो ये थी आज वीडियो, इस वीडियो का टारगेट था, हमने वैकेंसीज को अपडेट आप सभी के लिए लाते रहते हैं समय समय पर। जितने व्यूअर्स आप देख रहे हैं, 100 लाइक्स का टारगेट आप सभी को इसके वीडियो का, तो वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहें, आने वाली हर एक वैकेंसीज की अपडेट्स पाने के लिए व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर तो जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर नहीं करते आप किसी दोस्त के साथ तो शेयर जरूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।